अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोल्हापुरी स्टाइल चिकन बना रहे हैं। 1 किलो चिकन लेंगे और इसको थोड़ी सी हल्दी और आधा टीस्पून नमक लगाएंगे और थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके 5 मिनट रखिए। एक पतीली लीजिए, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालिए और थोड़ी सी प्याज डालिए। प्याज को थोड़ी देर हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज के होने के बाद उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। अब चिकन डाल के थोड़ा 1 ग्लास पानी डाल के 10 मिनट पकाएंगे। अब ग्रेवी के लिए जो मसाला चाहिए वो देखते हैं। 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और सूखा नारियल। अब चिकन गल चुका है। अब हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालिए और सब मसाले, बारीक किए हुए मसाले की पेस्ट डालिए। थोड़ी देर भूनिए। उसमें मिर्ची पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालिए। और थोड़ा सा चिकन मसाला। सभी मसाले को अच्छी तरह से आप भून लेंगे। अब मसाला भून चुका है। अब बॉईल किया हुआ चिकन डालेंगे इसमें और थोड़ी देर फ्राई करेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे एक थोड़ा सा और 5 मिनट ढक के पकाएंगे। चलो अब पक गया है। धनिया डालेंगे और सर्व कीजिए। अब हम चिकन रस्सा बनाएंगे। एक पतीली लेंगे और उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद थोड़ा पीसा हुआ मसाला सब डालिए और मिर्ची पाउडर, चिकन मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर अच्छे से सभी मसालों को भून लेंगे। अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद चिकन प्यूरी डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए। एक उबाल आने तक पकाइए। चिकन रस्सा बन गया है।